अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काविश। आज बात करेंगे चेस्ट एक्सरे इंटरप्रिटेशन की। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे को देखेंगे कुछ, और उसके अलावा कुछ एक्सरे ऐसे भी देखेंगे जिनमें थोड़ी बहुत एबनॉर्मलिटीज हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने उम्र अजीज़ के 25 साल एज ए रेडियोग्राफर काम किया है दुनिया ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में। और जो नॉलेज एक रेडियोग्राफर को होती है वो नॉलेज पास करना मकसूद है, ताकि यंग जनरेशन एनकरेज हो इस फील्ड में आने के लिए। डॉक्टर्स बने, आप एसोसिएटेड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, रिसर्चर्स हैं, और एक बाइज्जत पेशा है, एक बाइज्जत फील्ड है जिससे आप मुंसलिक हो सकते हैं। और बताना ये मकसूद है कि कितनी इंटरेस्टिंग फील्ड होती है तमाम फील्ड्स मेडिसिन की, न सिर्फ एक्सरेज बल्कि तमाम फील्ड्स बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। तो दो एक्सरेज हैं आपके सामने, एक ही एक्सरेज की दो कॉपीज हैं, और एक एक्सरे पे मैंने कुछ मार्किंग्स बना दी हैं ताकि एनाटॉमी समझने में थोड़ी सी आसानी हो। उससे पहले समझ लेते हैं कि एक्सरे के प्रिंसिपल्स। एक्सरेज बिल्कुल लाइट की तरह की एक रेडिएशन है, लाइट एक रेडिएशन है, यानी रोशनी, सूरज की रोशनी ये रेडिएशन होती है, और एक्सरेज भी एक रेडिएशन होती है। वो बॉडी से पास हो जाती है, थ्रू कर जाती है, बॉडी पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बजाय ये बॉडी से पास कर जाती है, ठीक है। तो वो हिस्से, ये एक्सरेज का ये शोल्डर के ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे थोड़ी बहुत रेडिएशन एब्जॉर्ब हो सके। तो वो हिस्सा जहाँ से रेडिएशन थ्रू एंड थ्रू हो जाए बिल्कुल और रेडियोग्राफिक प्लेट पर डायरेक्ट पड़े, वो हिस्सा बिल्कुल ब्लैक होता है। इन कॉन्ट्रास्ट ये एक मेटलिक मार्कर है, लेफ्ट साइड इंडिकेट कर रहा है पेशेंट की लेफ्ट साइड ये है और ये राइट साइड है, और ये मेटल का बना होता है, लेड का बना होता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई है और थ्रू पास नहीं हुई है, तो उसकी वजह से ये मार्कर वाइट नज़र आ रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ ग्रे स्केल्स हैं, यानी स्किन पे कुछ थोड़ी सी ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब है, और उसके बाद ये सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, उसमें और ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है, तो इसका इंप्रेशन इसकी निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद ये बोन्स हैं, क्लेविकल और ये रिब्स वगैरह, इसमें किसी कदर ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है, तो आपको किसी कदर ओपेक यानी कि वाइट नज़र आ रहा है। ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया में एयर होती है, ये कॉलम था जो है ये ट्रेकिया है, इसमें एयर होती है, तो ये ब्लैक नज़र आ रहा है। और इसके पीछे ये आपके स्पाइनस प्रोसेसेस हैं वर्टिब्रेज के, तो वो क्योंकि हड्डी के बने होते हैं तो ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो थोड़े से ओपेक नज़र आ रहे हैं। तो ये रूल है, और इस डिफरेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ यानी डिफरेंट रेशियोज एब्जॉर्ब हो रहे हैं, डिफरेंट क्वांटिटी एब्जॉर्ब हो रही है रेडिएशन की, और डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन बॉडी से पास हो रही है, तो उसकी वजह से कुछ कॉन्ट्रास्ट पैदा होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज में जो कि ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एओर्टा है, तो यहाँ पर ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई है, और इसके एडजेसेंट में बिल्कुल लंग है और लंग में एयर होती है, तो एक कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी मदद से ऑर्गन्स विजिबल हो जाते हैं एक्सरेज पर। तो ये एपेक्स कहलाता है, ठीक है। और राइट लंग्स में तीन लोब्स होते हैं, ये मैंने लोब्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये अपर लोब है, ये मिडिल लोब है, ये लोअर लोब है। मार्किंग्स, इसकी डिमार्केशन जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकती क्योंकि हर चीज़ देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल फिशर मैंने बनाया है, अक्सर औकात ये एक्सरे पे बारीक बाल की तरह के नज़र आता है, ठीक है। पीए चेस्ट एक्सरे पर, यानी पीए का मतलब पोस्टीरियर एंटीरियर, ये पेशेंट एक्सरे प्लेट की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, और एक्सरे का जो सोर्स है जो कि ट्यूब, एक्सरे ट्यूब कहलाती है, वो पेशेंट के पीछे है, तो पीछे से रेडिएशन एंटर हो रही है और आगे से निकल रही है, तो इसको कहते हैं पोस्टीरियर एंटीरियर, और इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो ये एपिक्स कहलाता है, ये हिस्सा जो है ये कॉस्ट्रोफेनिक एंगल्स कहलाता है, ये वाला राइट कॉस्ट्रोफेनिक एंगल है, आप देखेंगे बाकायदा ये बड़ा शार्प सा एंगल है, और ये डायफ्राम का मसल्स नीचे होते हैं इसके, और ये एक डोम शेप बन रही है, ठीक है। ये शेप्स और कॉन्ट्रोल्स, ठीक है, ये खास ये मीडियास्टिनल काउंटर्स हैं, कार्डियो मीडियास्टिनल काउंटर्स हैं, ठीक है। ये शेप कर्व, कुछ कर्व से बना रहे होते हैं, और ये नॉर्मल कर्व आपको देखते देखते इस अंदाजा हो जाएगा कि नॉर्मल कार्डियो मीडियास्टिनल काउंटर्स कैसे होने चाहिए, डायफ्राम कैसा होना चाहिए, तो ये आप जब कुछ एक्सरेज देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो एनीथिंग इन बिटवीन टू लंग्स इज नोन एज मीडियास्टिनम, ठीक है। तो ये राइट लंग है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसका मीडियल पार्ट यानी बीच का हिस्सा यहाँ पे खत्म हो रहा है,
और ये राइट हार्ट बॉर्डर है, ठीक है, और ये दिल भी मीडियास्टिनम के अंदर होता है। 1/3 ऑफ द हार्ट इज विजिबल टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द पेशेंट और 2/3 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, ठीक है। ये आर्च ऑफ एओर्टा है जो कि मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। एओर्टा सबसे बड़ी शरियान है जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से मिडिल से निकल रही होती है और फिर ये सामने से ऊपर की तरफ जाके डायगनली पीछे की तरफ जाती है। तो ये हिस्सा किसी कदर आगे होता है यानी एंटीरियर होता है और ये वाला हिस्सा एओर्टा का ये किसी ये पीछे की तरफ होता है, पोस्टीरियर होता है, ठीक है। तो ये आर्च ऑफ एओर्टा आपको नजर आ रही है, ये बड़ी शरियान ये घूम के यहाँ से दिल से निकल के ऊपर जाती है। ऊपर ये तीन मेजर वेसल्स जो कि शोल्डर्स और नेक और ब्रेन की तरफ जाती हैं और उसके बाद ये वापस नीचे कर्व हो जाती है। तो ये आपको आर्च ऑफ एओर्टा नजर आ रही है और ये इसकी आउटलाइन नजर आ रही है, ठीक है। तो राइट हार्ट बॉर्डर ये है, यहाँ पे राइट एट्रियम ये होता है जहाँ पे सुपीरियर वीना केवा ड्रेन कर रही है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इसके बाद राइट वेंट्रिकल सॉर्ट ऑफ मिडिल में होता है, यहाँ पे ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल सॉर्ट ऑफ मिडिल में होता है, हार्ट थोड़ा सा रोटेटेड होता है। और उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम जहाँ पे तमाम लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है, लंग्स में ब्लड में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और लेफ्ट एट्रियम में वो ब्लड वापस आता है लंग्स से। और उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल की आउटलाइन आपको नजर आ रही है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर बॉर्डर, और यहाँ से आपको एओर्टा राइज होती है और ये पूरे जिस्म में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये कॉस्ट्रोफेनिक एंगल्स हो गए, इसका आपने ख्याल करना है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है शेप की। जब पानी वगैरह प्लूरल इफ्यूजन जिसे कहते हैं, लंग से पानी भरना शुरू होता है तो सबसे पहले यहाँ पे इंडिकेशन होती है, ये एंगल्स ब्लंट हो जाते हैं, थोड़ी देर में हम इसको देखेंगे, ठीक है। रिब्स आपको काउंट करना सिखा देते हैं, ये पहला थोरेसिक वर्टिब्रा है, ठीक है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेज होते हैं और ये पहला थोरेसिक वर्टिब्रा है और इसमें पहचाना कैसे, ये पहली रिब इससे अटैच होती है, पोस्टीरियर रिब है, पीछे की तरफ की जो रिब है वो यहाँ पे नजर आ रही है। उसके बाद ये एंटीरियर थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है और ये रिब यहाँ से घूम के सामने की तरफ आ जाती है। रिब एक केज बना रही होती है जो कि पीछे से और आगे से पूरा इसने लंग्स को कवर किया होता है, एक प्रोटेक्टिव एरिया प्रोड्यूस करती है रिब्स, ठीक है। तो ये पहली पोस्टीरियर रिब है, ये सेकेंड पोस्टीरियर रिब है जो कि घूम के ये लेटरल रिब हिस्सा आ गया इसका और ये एंटीरियर आ गए, ये थर्ड रिब है और ये यहाँ पे आ रही है। तो 1, 2, 3 चौथी रिब पहली, दूसरी, तीसरी, ये चौथी रिब है, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, तकरीबन 9 रिब्स और ये 10वीं रिब आपको थोड़ी सी हाफ नजर आनी चाहिए एक प्रॉपर चेस्ट एक्सरे में जिसमें पेशेंट ने प्रॉपरली सांस लिया हो। एक्सरे से पहले कहा जाता है कि गहरा सांस लेके सांस अंदर रोकें, मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एक्सरे को एक्सरे पे फोटोग्राफ किया जा सके, उसको लिया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उसका एक्सपेंडेड फॉर्म में नज़र आए, ठीक है। ये कार्डियोफ्रेनिक एंगल्स हो गए और इसके बाद ये कार्डियोमीडियास्टिनल कॉन्ट्रा, ये ट्रेकिया है, ये मेन एयर वे है, एयर पाइप है जहाँ से आप सांस ले रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें हल्का सा ये डिवाइड हो रहा है 2 हिस्सों में, राइट मेन ब्रोंकस और लेफ्ट मेन ब्रोंकस, लेफ्ट मेन ब्रोंकस है। इसके बाद इसकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, थीके? जैसे मैंने पहले जिक्र किया राइट साइड पे 3 लोब्स होते हैं और ये आप देखेंगे कि ये लोब्स अगर आप किसी बकरे के लंग में भी हवा भरें तो वो लोब्स आपको विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मिडिल लोब है और ये पोस्टीरियर लोब है जो कि यहाँ से शुरू होता है पीछे से और ये कुछ हिस्सा इसको क्लियरली विजिबल होता है यहाँ पर। और लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है और इसमें 2 ही लोब्स होते हैं, लेकिन मिडिल लोब के बजाय यहाँ पे एक प्लूरा जो आउटलाइन होती है ये प्लूरा है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन कवर कर रही होती है लंग्स को दोनों साइड से और वो डबल लेयर्ड होती है। और जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आउटर हिस्सा रिब केज से अटैच होता है जो, और जो कि अंदर का हिस्सा है वो एक्सटेंड होता है और मकसद ये होता है कि फ्रिक्शन को रोका जा सके, ठीक है। तो जो आउटर हिस्सा होता है उसको पैराइटल प्लूरा कहते हैं, जो विसरल प्लूरा जो अंदर का हिस्सा होता है वो जब आप ब्रीथ करते हैं तो वो लंग्स का वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज होता है, थोड़ी सी मूव होती है नीचे की तरफ, और इन दोनों लेयर्स के बीच में पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में एक फ्लूइड होता है ताकि फ्रिक्शन की वजह से लंग्स डैमेज ना हो, ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये वो आर्टरी है जो कि लंग्स में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है राइट वेंट्रिकल से और ये यहाँ पे नजर आ रही होती है आपको।
और आर्च ऑफ एओर्टा ये यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है जी। ये आर्च ऑफ एओर्टा है, यहाँ पे ये असेंडिंग एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा है, असेंडिंग एओर्टा यानी कि जो दिल से निकलने के बाद जो ऊपर की तरफ जाती है उसको कहते हैं असेंडिंग एओर्टा। पर ये आर्च ऑफ एओर्टा है, जैसा मैंने पहले कहा कि ये ज़्यादा इंटीरियर होती है, आर्च ऑफ एओर्टा डायगनल होती है, पीछे की तरफ जा रही है, और उसके बाद ये आर्च यहाँ पे नजर आ रही होती है। तो ये शेप और ये काउंटर्स आपको नॉर्मल नजर आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे दिखते हैं। ये एओर्टो पल्मोनरी विंडो कहलाती है। अच्छा, अब देख लेते हैं ये जो चीज़ें हमने मैंशन की कि जी डायफ्राम जो है ये डोम शेप होना चाहिए और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है अगर ये डोम शेप ना हो, और ये कॉस्ट्रोफेनिक एंगल्स अगर इस तरह से शार्प नहीं है और यानी कि ट्राइंगल नहीं बना रहा है तो उसकी क्या इंप्लीकेशन है और वो क्या इंडिकेट करता है। थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो ये एक चेस्ट एक्सरे है, ये एक ही पेशेंट के दो एक्सरेज हैं और कुछ थोड़े वक्फे से लिए गए हैं। तो ये आप देखें कि कॉस्ट्रोफेनिक एंगल बिल्कुल नॉर्मल है, एक थोड़ी सी शार्प ट्राइंगल सा बन रहा है, और यहाँ पे आप ये देखेंगे ये ब्लंट हो गया है। और ना सिर्फ ये ब्लंट हो गया है बल्कि कि स्ट्रेट लाइन भी है, ठीक है, और यहाँ पे ये राउंड हो रहा है। तो ये प्लूरा में एक फ्लूइड जमा रहा है जिसे आमतौर से कहा जाता है कि एक्सरे लंग्स में पानी भर रहा है, ठीक है। बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं पानी भरने की, और वो दर्जनों में है, उसको यहाँ पे जिक्र करना छोटे से वीडियो में मुमकिन नहीं है, लेकिन ये इंडिकेशन है कि ये नमूनी की वजह से किसी भी वजह से भर सकता है पानी। तो ये फ्लूइड लेवल भी एक बन रहा है, तो नीचे पानी चूंकि ये पेशेंट खड़ा हुआ है तो पानी एक लेयर से बन गई है और वो लेयर आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे साइड पे भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। अच्छा, हमने मेंशन किया था कि ये डायफ्राम की जो शेप है ये डोम शेप होनी चाहिए, थोड़ी सी कर्व होनी चाहिए। अगर ये आप देखेंगे जो एक्सरे नॉर्मल एक्सरे है लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे, और ये राइट हैंड साइड पे दूसरा एक्सरे है, और आप देखेंगे ये डायफ्राम बिल्कुल फ्लैट हुए हैं, ठीक है। ये कि स्मोकर्स एक्सरे है, ये साहब स्मोकिंग करते होंगे, और आप देखेंगे कार्डियोमीडियस्टिनल काउंटर्स थोड़े से डिस्टर्ब हैं, ठीक है। अनफोल्डेड एओर्टा है, एओर्टा थोड़ी सी राइट साइड पे निकल रही है, और उसके अलावा ये कुछ थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो गई है, ठीक है। लेकिन जो मेन मकसद है आप देखेंगे डायफ्राम यहाँ पे फ्लैट हो गए। होता ये है कि लंग्स में इलास्टिक फाइबर्स होते हैं बिल्कुल रबर की तरह के, वो खींचते हैं और वो वापस सिकुड़ते हैं। तीन तरह के फाइबर्स होते हैं लंग्स में, और लंग्स बना हुआ होता है मोस्टली एल्वियोलाई का, फंक्शनल यूनिट जो लंग का है, जहाँ पे एक्चुअल एयर एब्जॉर्ब होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। वो एक अंगूर की शक्ल का एक एक सैक सा होता है जिसको कहते हैं एल्विलस, और मल्टीपल जो बहुत सारे होते हैं उनको कहते हैं एल्विलाई। तो हर एल्विलस के अराउंड एक ब्लड वेसल गुजर रही होती है, कैपिलरी गुजर रही होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देती है एल्विलस की बॉडी के अंदर, यानी कि जो अंदर बॉल का जो हिस्सा होता है, जो कि अंगूर की शेप का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, और उसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर, ठीक। इन एल्विलाई की भी कुछ वॉल्स होती हैं, ऑफकोर्स जब आप स्मोकिंग करते हैं तो उसमें तकरीबन 200 से ऊपर के कुछ पॉइजन्स होते हैं, तो वो वॉल्स डैमेज होती हैं, इलास्टिक फाइबर्स डैमेज होते हैं। होता ये है कि जब वो इलास्टिक फाइबर्स डैमेज हो जाएं तो लंग्स की इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, वो सैगी हो जाती है, नीचे लटके हुए हैं, ठीक है, और वो ऊपर नहीं जा पाते। तो ये डायफ्राम जो है ये फ्लैट हो गए इसमें, ठीक है, इसको सीओपीडी कहते हैं। आप देखें कि जी ये एक्सरे यहाँ पे किसी कदर ब्लैक है, क्योंकि यहाँ पे ना वेस्कुलर मार्किंग्स आपको नजर आ रही हैं, ना यहाँ पे जो कि इंटरस्टिशियम की कुछ मार्किंग्स भी होती हैं, वो भी आपको कुछ ना कुछ इंप्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा किसी कदर ब्लैक है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एक्सरे पेशेंट में, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ रिब्स काउंट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उसमें हो जाएंगे एज कम्पेयर नॉर्मल एक्सरे, लेकिन मेन बात इसमें आपको बड़ी आसानी से आप डायग्नोज कर सकते हैं कि ये डायफ्राम्स फ्लैट हो गए हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्मोकिंग की वजह से हो, कुछ एंटी ट्रिप्सिन डिफिशेंसी बहुत कम लोगों में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये स्मोकिंग की वजह से होता है, ठीक है। और बहुत सारे इसमें बॉडी कुछ एडजस्ट भी करती है इन चेंजेस को, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा रहना शुरू हो जाती है, लेकिन एक हद तक करती है, उसके बाद जो उसके मुजिर असरात हैं स्मोकिंग के, वो नजर आना शुरू हो जाते हैं, फील होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये नॉर्मल कार्डियोमीडियास्टिनल काउंटर्स और ओपेसिटीज और लूसेंसीज, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था कि जो ब्लैक एरिया होता है उसको कहते हैं लूसेंसी, ठीक है, और जो व्हाइट एरिया होता है उसको कहते हैं ओपेसिटी। आप यहाँ पे देखें कि
राइट हार्ड बॉर्डर की डिमार्केशन गायब हो गई। यहाँ पे आप एक बाकायदा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं राइट हार्ड बॉर्डर राइट एट्रियम की, यहाँ पे वो डिमार्केशन गायब हो गई है क्योंकि यहाँ पे एक ओपेसिटी आ गई है, ये एबनॉर्मलिटी है और इन दिस पर्टिकुलर केस ये नमोनिया है, कंसोलिडेशन कहलाती है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन में ये होता है कि जी एल्विलाई में पस इन्फेक्टिव जो बग्स होते हैं वो और ब्लड और फ्लूइड वगैरह एल्विलाई के अंदर जमा हो रहा है, अभी तक ये प्लूरा में नहीं आया, यहाँ पर जमा हो रहा है। और चूंकि एल्विलाई में एयर होनी चाहिए नॉर्मली, वो एयर होने के बजाय इस वक्त पस है या फ्लूइड है या जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं, नमोनिया होता है बग्स की वजह से, यानी कि कुछ जरासीम होते हैं और वो जब वो जरासीम गए और ये एयर रिप्लेस हुई तो इसके दो साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक तो ये ऑक्सीजन जितनी एब्जॉर्ब होना चाहिए उतनी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, और दूसरी बात ये है कि इसमें चूंकि ये एक्सरे पे कैसे देखा जाए तो ये डिमार्केशन गायब हो गई इसकी। ये नमूनिया इस वक्त काफ़ी डिसेंट साइज है लेकिन ये छोटा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर हो, नमूनिया यहाँ पे भी नज़र आ सकता है, पहले यहाँ पे भी नज़र आ सकता है, कहीं पर भी लंग के किसी भी हिस्से में जरासीम जा सकते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकते हैं और अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, कॉलोनाइज बढ़ा सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे फ्लूइड हो गया है जमा, उसकी वजह से जो एब्सेस वगैरह जमा हो जाती है, ब्लड जमा हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ से भी रेडिएशन पास नहीं हो रही, और ये दोनों ओपेसिटीज, लंग की ओपेसिटी और यहाँ पे और ये हार्ट की ओपेसिटी सिमिलर हो गई है, तो इसकी वजह से ये लाइन जो है कि डिस्टर्ब हो गई है, द कार्डियो मीटरसिल काउंटर डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, ये एक इंडिकेशन होती है एबनॉर्मलिटी की। ठीक है, कार्डिक साइज एक चीज़ आपने देखा होगा, अक्सर मेजर करते हैं, कहते हैं जी दिल का साइज बड़ा हो गया है, तो कार्डिक साइज मेजर किया जा सकता है जो मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ हार्ट। ठीक है जी, तो आप देखें कि यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो बम्प है वहाँ से शुरू करते हैं मेजरमेंट, और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो एक्सेस जो कि मोस्ट लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ तक मेजर किया जाए, तो जो भी साइज होगा उस हार्ट का साइज ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ हार्ट होगा उसका साइज होना चाहिए, ये थोरेसिक ट्रांसवर्स थोरेसिक डायमीटर यहाँ से यहाँ तक उससे हाफ होना चाहिए, कुछ हिस्सों में हाफ से भी छोटा नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि यहाँ पे लंग्स जो है इनका वॉल्यूम इतना बढ़ गया है कि ये जो हार्ट का ट्रांसवर्स डायमीटर है, इसका मतलब ही नहीं कि हार्ट छोटा हो गया, लंग्स इसके चारों तरफ आ गए, इसके दोनों तरफ आ गए, तो ये हार्ट आपको आर्टिफिशियली थोड़ा सा छोटा लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब नीचे जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये कार्डियक साइज आपको कितना, हालांकि ये कार्डियोमेगाली नहीं है, ये है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ठीक है, तो इस पे कार्डियोमेगाली के लिए बहुत सारे डॉक्टर हजरात इस पे इतराज करेंगे क्योंकि ये जो बाहर की लेयर होती है हार्ट की, उसके अंदर पानी भरा हुआ, इसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, और इसको डायग्नोस करने का आसान तरीका ये है कि ये इसकी आप शेप देखें कि वाटर बॉटल पुराने टाइप की होती थी, ये नेक नज़र आ रही है और ये वाटर बॉटल टाइप की एक शेप हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि इसका जो साइज, अगर आप यहाँ से मैं यहाँ तक मेजर करूँ तो ये ट्रांसवर्स थोरेसिक डायमीटर के आधे से कम या आधे के बराबर नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा है, तो ये कहलाती है कार्डियोमेगाली। इन दिस पर्टिकुलर केस ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन की वजह से है। ठीक है, जो कि ट्रेन किया जा सकता है और ये साइज छोटा हो सकता है दोबारा से। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।